श्री राजस्थान युवा संघ सूरत अने रूंगटा डेवलपरना सहयोगथी भव्य नानी बाईनु मायरानुं त्रण दिवसीय आयोजन करायुं, जेना प्रथम दिवसे ज मोटी संख्यामां लोको आ कथाने सांभळवा पहोंच्या हता। શ્રી રાજસ્થાની યુવા સંઘ અને રૂંગટા ડેવલપરના સહયોગથી ભવ્ય નાની બાઈનો માયરો ત્રણ દિવસ માટે આયોજન કરાયું, જેના પ્રથમ દિવસે કથાકાર તરીકે શ્રી ઋતુજી વશિષ્ઠ દ્વારા અનોખી રીતે ભજનની સાથે નાની બહેનો માયરો ત્યાં સુધી ઉપસ્થિત હજારોની સંખ્યામાં આવેલા ભક્તોને સંભળાવવામાં પણ આવી। બે દિવસમાં પણ એવી જ રીતે કથા લોકોને સંભળાવવામાં આવશે। સંયોજક અને રૂંગટાએ જણાવ્યું હતું કે છેલ્લા દિવસે નાની બાઈનો માયરો ભરવામાં આવશે, જેની હજારોની સંખ્યામાં લોકો આ દરબારમાં હાજર રહેશે અને ભવ્ય કથાનો લાભ લેશે। मेरा नाम अनिल लुंगटा है। राजस्थान युवा संघ के तत्वाधान में रुंगटा डेवलपर के सौजन्य से जो भव्य नानी भाई का मारा आज सूरत में जो किया जा रहा है, श्री ऋतु जी वशिष्ठ के माध्यम से ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। राम जन्मभूमि के पुनर्प्राण प्रतिष्ठा समारोह में और मंदिर निर्माण के लिए ये कार्यक्रम का आयोजन सनातन धर्म के लिए, सनातन धर्म को पुनर्जीवित करने के लिए किया गया है। डोमाल मंदिर से एक भव्य कलश यात्रा चली थी, जिसमें लगभग 5000 लोग थे। अधिकतर महिलाएं कलश के साथ थी और अधिकतर पुरुष उसमें ध्वज के साथ थे। नानी भाई का मायरा, जिसमें गुजरात में नरसी भगत का जन्म हुआ था और जिन्होंने भगवान से वरदान पाया था, और उनकी पुत्री के मायरे भरने के लिए भगवान कृष्ण इस धरती पर आए थे। उनका मायरा भरने के लिए भगवान कृष्ण आए थे और पूरी दुनिया को विदित है कि वैसा मायरा ना आज तक कोई भर पाया है। बस उसी मायरे का गुणगान और भगत का एक सचित्र चित्रण इस कथा के माध्यम से किया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल आई विटनेस।